अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब व्यूवर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हैं मेरे सब्सक्राइबर भी हैं एजाज़ भाई, तो उनके सेटअप पे मौजूद हूँ। उन्होंने, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस बना रहा था तो मैंने कहा था कोई बंदा अगर अच्छा उन्होंने सेटअप लगाए हुए हैं और वो अपने सेटअप की वीडियोस बनवाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया हुआ बर्ड्स का, तो उस हवाले से अगर कोई मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहता तो मैं उसकी आके वीडियो बनाऊँगा ताकि फिजिबिलिटीज वगैरह बताऊँगा। तो इसलिए मैं इनके सेटअप पर हाज़िर हुआ हूँ। इनकी जो लोकेशन है वो कटी पहाड़ी की तरफ है, ठीक है। तो इनके पास माशाल्लाह से अल्बाइनोज भी लगे हुए हैं, फिशर भी है, लवबर्ड्स भी हैं, फिंचेस भी हैं, जावाज भी हैं। तो इनके पास जो मैं स्पेशली आया था वो मैं जावाज की कॉलोनी की फिजिबिलिटी बताने के लिए और फिंचेस की फिजिबिलिटी बताने के लिए मैं इनके पास आया था। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब मैं आपको जाज भाई से मिलवाऊंगा, ये अपना नंबर भी शेयर करेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे इनके पास बर्ड्स हैं, अगर किसी को कोई पसंद आता है तो आप इनको पर्सनल में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इनके पास फिंचेस भी माशाल्लाह से ब्रीड आई हुई है, जावाज वगैरह की भी है। तो अगर आप लोग लेना चाहें, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब एजाज भाई को बुलाऊँगा और वो अपना सेटअप भी दिखाएंगे, साथ साथ कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए हैं उनके पास। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इजाज़ अहमद नाम है, नॉर्थ नाजामाबाद ब्लॉक की कटी पहाड़ी पर रिहाइश है। 03122258800 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। मेरे पास अल्बाइनो लगा हुआ है माशाल्लाह से। सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई कि यहाँ पे कौन सा आपने बर्ड लगाया हुआ, कौन कौन सा बर्ड? ये मेरे पास कॉकटेल लगा हुआ है। अच्छा, कॉकटेल लगा हुआ है, कौन सा कॉकटेल है? ये इसने अभी ब्रीड नहीं किया, पहली ब्रीड का। ये क्रीम कलर का है, इसका वाइट इनो है मेल और ये वाइट है। अच्छा, ये माशाल्लाह से इसमें 3 चिक निकले हुए हैं, इसमें एक मेल के साथ 2 फीमेल छोड़ी हुई है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह से 2 फीमेल और दोनों को क्रॉस कर रहा है, दोनों के साथ और दोनों के बच्चे पार रहा है। जी ये देखिए भाई, नई टेक्निक, जब नए सेटअप जाते हैं ना कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब ये देख सकते हैं टेक्निक, इन्होंने एक मटकी लगाई हुई इधर और इधर एक बॉक्स लगा हुआ था, एक मेल के साथ 2 फीमेल क्रॉस हो रही है और माशाल्लाह से ब्रीड कर रही है। एक ने अंडे भी दिए हुए हैं। अच्छा, और एक के बच्चे बाहर, जी 3 बच्चे बाहर निकले हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, साइजेस भी देखें बर्ड की, आपको बहुत अच्छे साइजेस हैं। ये पट्टे हैं, पॉटेल है जी। कितने का दे रहे हैं ये? 4000 का रेट चल रहा है पट्टों का। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई में बहुत हेल्दी भी है और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये अभी अभी सेल्फ हुए हैं, सेल्फ भी मेरे ख्याल से प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं मेरे ख्याल से अभी, पर फ्लाइंग फ्लाइंग भी इतने नहीं आ रही अभी, अभी तो और साइज भी निकालेंगे माशाल्लाह। अच्छा, नीचे क्या लगाया हुआ है? ये नीचे फिशर है मेरे पास, फिशर लगा हुआ है। इसमें मैंने अंडे फोस्टिंग किए अल्बाइनो की। अच्छा, अल्बाइनो की एक, हाँ एक चेक आ गया इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, और इधर सही है, और इधर भी जी, इसमें भी 2 फीमेल है। अच्छा, इसमें दोनों ने अंडे दे दिए माशाल्लाह। ये नर बैठा हुआ था जी, ये नर है, दोनों फीमेल ने एक दिए हुए। अच्छा, एक मेल ने, दोनों फर्टाइल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह, ये भाई ने बहुत अच्छी टेक्निक की है भाई। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 2 मादियाँ हैं तो एक नर से आप क्रॉस करवा सकते हैं, ये चीज़ मुझे भी सीखने का मौका मिला है, बहुत अच्छी चीज़ भाई ने बताई है। इसमें भी अंडा है, इसमें भी अंडा दिया हुआ भाई, देखिए ये देख सकते हैं माशाल्लाह से सही। इधर क्या लगा हुआ? ये किसका अल्बाइनो है, ब्लैक आईज में सही, और पसनाटा इसमें, इसमें भी चेक निकले हुए हैं। अच्छा, बच्चे निकले हुए हैं जी, माशाल्लाह सही है। इसमें भी चेक निकले हुए हैं, इसमें भी फिशर का पेयर है ठीक है, इसके अंदर भी बच्चे हैं माशाल्लाह से सही हो गया, इसके बच्चे सेल्फ हो गए। अच्छा, तो सेल्फ हो गए माशाल्लाह, इसमें अल्बाइनो के अंडे रखे तो बच्चे निकले हुए हैं। अच्छा, इसमें अल्बाइनो के सही, क्योंकि अल्बाइनो को फॉस्टिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी। जी सही, ये इधर बज रही है, उसने भी माशाल्लाह से ब्रीड की है भाई। इसका मेल मैंने दूसरी फीमेल के साथ लगा दिया है। अच्छा, ये बच्चे पाल रही है, अकेली फीमेल बच्चे पाल रही है भाई, और मेल उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इधर फैलो का है माशाल्लाह से, ये भी बैठे विंडो पे, यहाँ पे ये पट्टे रोके हुए मैंने अपने लिए, बाकी और पट्टे भी दिखाऊंगा। पट्टे रोके हुए हैं जावा की कॉलोनी जो मैंने बताया, जिसके लिए मैं स्पेशली आया हूँ, फिजिबिलिटी करने के लिए। उनके घर के पट्टा निकला हुआ माशाल्लाह से, अपने घर की अच्छी डाइट होती है इसलिए वो अपना बंदा रोकना पसंद करता था अगर जी। माशाल्लाह ये देख सकते हैं, साफ सुथरे पट्टे हैं। अच्छा, इधर क्या लगा हुआ है? ये फॉस्टिंग पेयर है, फॉस्टिंग पेयर है। हाँ, ये अभी दोबारा अंडे ले करने वाली है मादी। अच्छा, तो इसके नीचे फिर फॉस्टिंग कर देंगे अंडे।
सही हो गया। ये भी फॉस्टिंग पैर हैं, ये सारे फॉस्टिंग पैर हैं। ब्रीडर हैं आपके माशाल्लाह से जी। ये भाई ने पैर रखे हुए हैं अल्बिनो के, बच्चे हैं। अच्छा अल्बिनो के अंडे फॉस्टर करने के लिए। अच्छा इधर क्या है? इसमें भी बच्चे हैं। अच्छा बच्चे हैं। ये लगे हुए हैं भाई के पास अल्बिनो। क्या कहते हैं अल्बिनो कैसा बर्ड है सर बिजनेस के हवाले से? बेहतरीन बर्ड है। बेहतरीन बर्ड है। कितना क्या इनकम आ जाती होगी अल्बिनो? हम देते हैं 17-18 हज़ार के तो हंस के जाता है अल्बिनो का पट्टा ना। तो आप फेसबुक पे लगा दें या यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मेरा चैनल भी बना हुआ है, मैं वहाँ भी डाल देता हूँ पिक वगैरह वीडियो। ठीक है। हाँ अल्बिनो तो कहते हैं कैश आइटम है कि जिससे हम दिल करो अभी लगाओ उससे हम बिकता है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बर्ड लग रहे हैं, साइज भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें बच्चे दिए हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह बोलते रहे लाजमी माशाल्लाह कहने के लिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, मैं अपनी वीडियो में भी बोलता हूँ कि माशाल्लाह कर मैंने, क्योंकि लोग दिखाते नहीं अपने ऐसे बर्ड, मगर मैं अंडे इनकी रुपया तो दिखा रहे हैं कि क्या है कि आप लोगों का शौक बढ़े। माशाल्लाह से अल्बिनो भी अच्छी ब्रीड करते हैं, अगर आपने उनको अच्छा माहौल दिया हो, अच्छी डाइट दे रहे हो तो करते हैं। ब्लड लाइन भी अच्छी हो तो लाजमी सी बात है ब्रीड करता है। यहाँ पे भी अल्बिनो लगा हुआ इनके पास माशाल्लाह से। यहाँ पे माशाल्लाह से पॉजिटिव पेयर था, उसमें से मेरे ख्याल से क्रीमिनो भी निकला हुआ माशाल्लाह। माशाल्लाह बोल रहे हैं क्रीमिनो के जी। ये माशाल्लाह ये लाजमी बोलिएगा भाई। ये अल्बिनो ब्लैक आई भी निकले हुए स्प्लिट हैं। ये स्प्लिट हैं ठीक है ना, ये अल्बिनो और डेकिनो में से निकले हुए हैं ना जी। और ये क्रीमिनो का भी बच्चा निकला हुआ माशाल्लाह से। तो क्या कहते हैं स्टार्ट में ये अल्बिनो लगाने चाहिए या सीखने के बाद ही काम करना चाहिए? नहीं, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो लगाएं, वरना नहीं लगाएं। क्योंकि अल्बिनो कहते हैं इतना आसान बर्ड भी नहीं है, कितनी आसानी से ब्रीड करता है माशाल्लाह, टाइम लेता है ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा नाजुक बर्ड है अल्बिनो, इसको टेम्परेचर देना पड़ता है, सारा कुछ ये चीज़ें देखनी पड़ती है। इसका मेल मैंने हटाया हुआ है, फीमेल अंडे लेकर रही है अल्बिनो है। सही है, इसका मेल क्या दूसरे के लिए दे दिया? जी एक मेल है, उसके साथ दो फीमेल लगाई हैं। सही है, एक मेल के साथ दो फीमेल लगाई। ये डेकिनो का मेल है, पेयर है मेरे पास। सही है, अल्बिनो फीमेल है, इसके साथ डेकिनो का मेल है, अल्बिनो की फीमेल है। इसमें इन्होंने एक दिए हुए अभी। अच्छा माशाल्लाह, पोस्टिंग की मैंने लगा हुआ। माशाल्लाह इसी तरह ऊपर भी अंडे नहीं लगे हुए ठीक है। और ये तो हो गया इनका लबड़ का सेक्शन ठीक है। साइज इन्होंने साइज भी बता दिया, क्या साइज दिया हुआ आपने? साइज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है इनका। 2.5 इसका लंबा है, 2 फुट इसका चौड़ा है और 2 फुट उनकी हाइट है। लबड़ का जो है ना माशाल्लाह से 1.5 फुट हाइट है, 2 फुट जो है चौड़ाई है ऐसे और 2.5 फुट गहराई है इसके अंदर। और माशाल्लाह से ये क्या ये लबड़ के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा साइज है। यहाँ पर भी जावा के पट्टे हैं, इधर जावा के पट्टे किधर आए? ये जावा के पट्टे हैं वगैरह निकले हुए इनके। हाँ ये सारे स्प्लिट इनो के पट्टे हैं। स्प्लिट इनो है सारे जी माशाल्लाह। ये इन्होंने देखो स्प्लिट इनो बनाया, फिशर के स्प्लिट इनो है, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्बिनो के साथ लगाए ब्लैक आई सर, तो अगर आप ग्रीन से भी कराओगे तो ज़्यादा ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी जी। ये पट्टे हैं, ये भी जावा के पट्टे निकले हुए। ये फॉर सेल है जी ठीक है। ये माशाल्लाह से इनके घर की ब्रीड है। ये क्या सैडल बैग है क्या? ये बीच में जावा के पीछे ब्लैक ब्लैक आ रहा है, वो साफ हो जाते हैं। ये साफ हो जाती हैं जी। अच्छा मोल्ड करेंगे ना, साफ कर देंगे। सही हो गया। इधर भी फिशर लगे हुए हैं, इधर कुछ बजरी लगा हुआ है डब ने। माशाल्लाह से देखिए खुलेआम डब ने ब्रीड भी की हुई है माशाल्लाह से। ये इनका सेटअप है माशाल्लाह से। और ये एंट्रेंस, ये ब्रीडिंग केजेस लगे हैं और डब इन्होंने खुली छोड़ी है माशाल्लाह से, खुले आम ब्रीड कर रही है। अब हम जाते हैं जो मेन, अभी मैंने आपको बताया था कि जावा की कॉलोनी और सिंध की कॉलोनी, तो ये है इनके पास जावा की कॉलोनी है ये इनकी ठीक है। ये वाली कितने पेड़ लगे हैं जावा में? जावा के मेरे पास 26 पेयर लगे हैं। 26 पेयर लगे हुए हैं, अभी इंशाल्लाह 10 पेयर और बढ़ाने हैं।
जावा का बेहतरीन जबरदस्त ब्रीड करती है, बेहतरीन ब्रीड करते हैं। कितनी की एवरेज देती है? मेरे पास 5-6 बच्चों का एवरेज है। 5-6 बच्चों का, ये साइज क्या हुआ आपका तकरीबन कलोनी का? ये तकरीबन मेरा 5-5.5 फीट की लंबाई है सही। और ऊंचाई होगी तकरीबन 4 फीट की सही। और चौड़ाई 3 फीट की सही है। दाना कितना खा लेते हैं तकरीबन 20 फीट आपके? मेरा डेली आधा किलो का दाना लग जाता है। आधा किलो? भाई आप देख लो कितना दाना लग रहा है, आधा किलो दाना लग रहा है। कितने पेड़ पे? तकरीबन 26 पेड़ पे। 26 पेड़ पे। और इधर ये है कॉलोनी भाई पिंचेस की, पिंचेस में कितने पेड़ लगे हुए भाई आपके पास? पिंचेस में मेरे पास तकरीबन 50 अभी मैंने कर दिया है, मटकियाँ लगाई नहीं है, पहले मेरे पास 26 पेड़ थे। उसी की घर की प्रोटेक्शन है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं बीज आई है। ये कितना दाना खा लेते हैं 50 पेड़? ये आधा किलो ये भी खाते हैं, आधा किलो वो भी खाते हैं। आधा किलो ही खाते हैं, तो महीने का समझो कितना दाना आ गया? 15 किलो। 15 किलो दाना आ गया भाई, तो ये 50 पेड़ 15 किलो दाना खा रहा है। ठीक है, तो बुरा क्या है माशाल्लाह से ये देखिए भीड़ आई हुई, अंडे बच्चे दिए हुए हैं, बच्चे बाहर निकले हुए हैं। कितना टाइम लगता है भाई दाना जारी इनका डालने में? दो मिनट भी नहीं लगते। दो मिनट भी नहीं लगते भाई। अब आप देखिए मैं ये आपको इसका सेटअप बताने को रहा हूँ कि इसमें आपका दाना पानी भी चेंज करना आसान है। ठीक है, उसके अलावा जगह भी कम लेंगे, आराम सुकून से दाना डालने में 5 मिनट लगेंगे आपके, और जो है आप 5 मिनट में दाना पानी भी इनका चेंज कर लेंगे, और इसकी फिजिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए भाई मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस का लाजमी वेट करें भाई, उस पर मैं आपको ये जावा की फिजिबिलिटी बताऊंगा और पिंच की फिजिबिलिटी बताऊंगा। ये देख सकते हैं भाई फ्रेंडली होने का नतीजा बर्ड का, माशाल्लाह से इसने पंखे के ऊपर भी ओपनली अंडे दे के बैठी हुई है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये होता है बर्ड से मोहब्बत, जब होता है तो बर्ड्स आपसे भी मोहब्बत करता है, वो डरता नहीं अपने मालिक से। तो माशाल्लाह से मुझे भाई का सेटअप बहुत पसंद आया, और इनका मोबाइल नंबर भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को कोई बर्ड पसंद आए लेना चाहें तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियोज़ का मेरा वेट करें, ठीक है, और उसके ऊपर मैं आपको फिजिबिलिटी बताऊँगा जावा की और फिंचेस की। थैंक यू भाई का जो है यूट्यूब चैनल भी है इजाज़ अहमद के नाम से, तो जिस तरह के बर्ड जिस तरह के जावाज और फिंचेस की ब्रीडिंग की टिप्स वगैरह जिनको चाहिए हो तो वो उनका चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आपको जो इनकी जावा की जो ब्रीडिंग में उनको टिप दे रहे हैं, कौन सी ब्रीड यूज़ करवा रहे हैं, किस तरह की डाइट दे रहे हैं, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़ अहमद के नाम से इनका चैनल भी है, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ों का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।